तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आर्क सर्वाइवल के एक और नए एपिसोड में। तो आज हम ऐसे दो क्रिएचर्स को टेम करने वाले हैं जो बाहर से दिखने में तो किसी काम के नहीं लगते, पर हैं बड़े काम के। तो जो हमारा पहला क्रिएचर है उसका नाम है लिस्ट्रोसोरस। लिस्ट्रोसोरस आपने बहुत देखे होंगे, वो जो डोगी और कीमोडो ड्रैगन का मिक्सचर है, जो कि आपको आराम से यहाँ वहाँ घूमते हुए दिख जाएंगे। पहले चलते हैं उसको टेम करने। मैं उनके फ़ायदे दिखाने से पहले इनकी टेमिंग इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इनकी टेमिंग थोड़ी सी अलग है, ये बाकी क्रिएचर्स जैसे टेम नहीं होते। तो वो दिखाने के लिए मुझे पहले ढूंढना पड़ेगा एक लिस्ट्रोसोरस जो कि यहीं कहीं आसपास मिल जाएगा। वो रहा, दिख गया मुझे। ओके, तो ये है लिस्ट्रोसोरस। ये कितने लेवल का है भाई? लेवल 5 का है। चलो ठीक है, ज़्यादा लेवल का होगा तो टेम होने के लिए भी ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसे टेम करने के लिए मेजोबेरीज मैंने हॉट बार में रख ली है और इसके पास जाके सिर्फ उन पर क्लिक करना है और इसकी टेमिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसी तरह मुझे इसे बार बार फीड करते रहना पड़ेगा जब तक इसका टेमिंग बार फुल नहीं हो जाता। ओके, तो ये लास्ट बाइट लेने ही वाला है और इसे अब खिला देते हैं। ओके, तो टेम हो चुका है हमारा लिस्ट्रोसोरस। इसकी इन्वेंटरी में खाना डाल देता हूँ, ये भूखा ना मर जाए। ओके, तो अब चलते हैं घर, जहाँ पर कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसमें ऐसी कौन सी खूबी है जिसके चलते कि इसको मैंने टेम किया है। पीछे आ रहा है ना भाई? वो कहाँ गया? अबे घूम गया क्या? कहाँ गया वो? अच्छा ये रहा। थोड़ा तेज़ चल ले भाई। चलो मैं दिखाई देता हूँ कि इसके पावर्स को कैसे यूज़ करना है। तो ये जो लेफ़्ट से स्वाइप करने पर ये जो मेन्यू खुलता है, वहाँ पे आप ये देख रहे हो ये हर्ट का सिंबल, हमें इसे यहाँ पे पेट करना है। वो भाई डांस कर रहा है खुश होके। ये देख रहे हो इसका लेवल अप का बफ स्टार्ट हो गया है, इसके ऊपर जो ये निशान से आ रहे हैं। तो जब मैं इसको दूसरे टेम्ड क्रीचर्स के पास लेके जाऊंगा तो उन्हें भी ये एक्सपी बफ मिलेगा और इसका मतलब है वो भी डबल एक्सपी गेन करेंगे। आ जा भाई। ये देख रहे हो इन पे एक्सपी बफ का इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया, मतलब इनकी जो एक्सपी गेन है ये अब डबल हो जाएगी। इसे दूसरे क्रीचर्स के पास भी ले जाकर देख लेते हैं। ओ ये अंडा ही गया। ओके, तेरे दिनों सौरा एक अंडे उठा लो भाई, क्योंकि अंडों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, तो इसके पास आ जा भाई। ये देख रहे हो इन पे भी आ रहा है। तो अब चलते हैं अपने दूसरे क्रिएचर की तरफ जो कि है ओविराप्टर। ओके, तो भाई बहुत ढूंढने के बाद ये एक ओविराप्टर यहाँ पे मिला जिसे कि हम करने वाले हैं टेम। अरे मुक्का मारना बंद करे भाई, बोला निकाल लेते हैं क्योंकि हमें इसे पहले फंसाना पड़ेगा, वरना ये अगर हमें देख ले तो ये भाई भागने लगेगा और ये बहुत तेज भागते हैं। नाइस, ये फंस गया। अब इनका टॉर्पर बहुत कम होता है तो एक ही बुलेट से काम चल जाना चाहिए। ये देख रहे हो बेहोश हो गया ये। ओके, इसकी इन्वेंट्री में अब हम डालते हैं स्पाइनो एग। ये दरअसल हर तरह के अंडे खाता है पर स्पाइनो एग से थोड़ा जल्दी टेम होता है। गिगानोटोसोर के एग से और भी जल्दी टेम होता है, पर भाई मैं भी कहाँ पे एक फीमेल गिगा ढूंढते फिरूँ भाई, और वैसे भी वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। बस थोड़ा टाइम का डिफरेंस रहता है, किसी एग से जल्दी हो जाता है तो किसी एग से थोड़ा लेट होता है। और मैंने यहाँ पर एक और ट्रेनाडोन नॉक करके रखा है, इसको एक्चुअली मैंने मीट वीट खिला दिया तो ये भी टेम हो ही रहा है। ये 135 लेवल का ट्रेनाडोन था भाई, इसे ऐसे छोड़ नहीं सकता था मैं।
ओके, तो हमारा ओविराप्टर तो अपना खाना खाने ही वाला है और शायद एक ही बार में ये टेम हो जाए। ओके नाइस, ये हो गया टेम एक ही बार में ही। और पीछे आ जा भाई, बहुत सही आ रहा है। अब चलते हैं अपने दूसरे टेम की तरफ जो कि है हमारा टेरानोडॉन। ओके, तो हमारा टेरानोडॉन भी टेम होने ही वाला है, बस हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है। One hour later. ओके, तो फाइनली ये भी टेम हो गया और ये लेवल 200 समथिंग हो गया है। सही है भाई, और हमने एक और टेरानोडॉन भी टेम किया था, उसे भी ले चलते हैं साथ। मैंने इन्हें इसीलिए टेम किया क्योंकि भाई ये ट्रैवल के लिए बहुत अच्छे हैं और जितने ज़्यादा लेवल्स उतना बेटर। ओके, इनको ले लिया, अब सीधा चलते हैं घर। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो ये है ओविराप्टर उस केज के अंदर, और इन सब पे देख रहे हो अंडे का सिंबल आ रहा है, मतलब जहाँ भी ये ओविराप्टर रहेगा वहाँ पे फीमेल्स ज़्यादा एग ड्रॉप करेंगे। ये मेल्स पे भी क्यों आ रहा है भाई अंडे का साइन? खैर, आता है तो आने दो। ये मेल्स है वैसे, ये अंडे नहीं देंगे, जो फीमेल्स है सिर्फ वही अंडे देंगी, तो इन पे अगर साइन आए तो भी मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये है इनकी कुछ खास बातें। इसके अलावा मैं एक एग फार्म और एक एक्सपी फार्म भी बनाने वाला हूँ, क्योंकि हम बनाएंगे अगले एपिसोड में। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।